बिग बॉस सीजन 17 में ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की वल्गर लड़ाई देखने के बाद आयशा सिंह के लिए जनता की बढ़ी और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट। आयशा सिंह के लिए फैंस ने दिया ऐसे रिएक्शन, तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। गुम है किसी के प्यार में शो की लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह को वैसे भी जनता बहुत पसंद करती है। आयशा सिंह हैं ही इतनी पॉजिटिव कि उनको बहुत प्यार दिया जाता है। यही वो बड़ी वजह कि आयशा सिंह को अब भी जनता जितना प्यार कर रही है उतना तो शायद ऐश्वर्या और नील को बिग बॉस में आने के बाद भी नहीं मिल रहा है। आयशा सिंह ने जनता कमाया है, फैंस कमाया है। ऐश्वर्या शर्मा की अंकिता के साथ एक बड़ी लड़ाई हुई है, नील भट्ट की विक्की जैन के साथ लड़ाई हुई है, जिसके बाद जनता ने तो भाई साफ कह दिया है कि हमारी रिस्पेक्ट आयशा सिंह के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई है नील और ऐश्वर्या की इस वर्स्ट बिहेवियर को देख कर। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, रीज़न नंबर वन है कि ऐश्वर्या और अंकिता ही नहीं, खानसादी हो अंकिता हो, ऐश्वर्या की किसी के साथ नहीं बनी है बिग बॉस के घर में। इवन तो ऐश्वर्या अपने हस्बैंड तक पर चिल्ला चुकी हैं, मेकर्स ने भी उनको लताड़ा है कि आप क्या कर रहे हो, जब आप अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप दोस्त की कैसे रिस्पेक्ट करोगे, और ऐश्वर्या ने तो अब तक कोई दोस्त बनाया ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐश्वर्या शर्मा को घर से निकाल देने की और पागल खाने भेज देने की भी डिमांड करते हैं, तो नील भट्ट भी अब कहीं ना कहीं उन्हीं के रंग में रंग चुके हैं। नील भट्ट भी जिस तरीके से प्रवोक कर रहे हैं, जिस तरीके से विक्की जैन के पीछे पड़ गए हैं, ये कह सकते हैं कि टेलीविज़न के ये चारों एक्टर्स आपस में ही बस लड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने है नेटिजन्स का कि आखिर में इस एपिसोड की लड़ाई के बाद किस तरीके से लोग और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं आयशा सिंह की, एक यूज़र ने लिखा, माय ओवरऑल रिस्पेक्ट ग्रो फॉर आयशा सिंह ईच टाइम द थर्ड क्लास छपरी बिहेवियर बाय फीमेल ऐश्वर्या शर्मा ऑन बिग बॉस सीजन 17। आयशा टॉलरेट दिस नॉनसेंस फॉर ओवर 2 ईयर्स ऑन द सेट, अंकिता लोखंडे इज सफरिंग नाउ ऑन द शो। अगले एक और यूज़र ने लिखा, आई थिंक ऐश्वर्या शर्मा गेट अ लॉट ऑफ हेट नेगेटिव कैरेक्टर शी प्लेड इन गुमे किसी के प्यार में, बट आई नो शी हेट फॉर अ रियल विनर पर्सनैलिटी इरिटेटिंग वॉइस एंड नेगेटिव माइंड सेट। अगले ने लिखा, ऐश्वर्या शर्मा नीड हेल्प, इसे पागल खाने भेज दो। तो ऐश्वर्या शर्मा को लेकर ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, ऐश्वर्या शर्मा ने तो बिग बॉस सीजन 17 में आने से लेकर गुमे किसी के प्यार में आयशा सिंह से तो कोल्ड वॉर की ही। आयशा सिंह ने अब तक 2 साल तक अगर ऐश्वर्या शर्मा को बिहेवियर से झेला है तो जाहिर सी बात है आयशा के लिए अलग रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबके दिलों में, जो कि आज जनता के दिलों में दिख रही है। इवन अंकिता ने भी क्लियर कर दिया है कि जो तुम आयशा के साथ कर रही थी वो मेरे साथ करने की कोशिश मत करना। लेकिन ऐश्वर्या शर्मा कहाँ समझने वाली हैं, उनको अब भी वही नेगेटिव माइंडसेट, वही नेगेटिविटी में खूब मज़ा आ रहा है और उनकी नेगेटिव पर्सनैलिटी सबके सामने नज़र आ रही है। आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या है आपका ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।